बिहार में सिवान शहर के पास जुड़कन गांव के कृष्ण कुमार पतली सी नहर की पुलिया पर बैठे मिले। नहर के ठीक किनारे उनका पंप सेट लगा था, जिससे वे अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। लेकिन नहर के बारे में पूछते ही वे थोड़ा नाराज हो जाते हैं। पुल बनवाए, नहर खोदवाए, कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया, जीरो जीरो हो गया। आपको एक बूंद पानी से नहीं मिला, एक बूंद नहीं मिला है, इसलिए आपको पंप सेट लगाना पड़ा। 1976 में बिहार में गंडक परियोजना के तहत इस नहर की खुदाई हुई थी। ऐसे ही नहरें सिवान शहर से बिल्कुल सटे जुड़कन, मड़कन, पैगंबरपुर और आसपास के कई गांव से होकर निकलती हैं। इनका मकसद था लोगों को सिंचाई की सुविधा देना, लेकिन लोग बताते हैं कि नहरों में कभी भी पानी आया ही नहीं। अब इन नहरों के आसपास कहीं बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, तो कहीं लोगों ने ज़मीन को समतल करके उस पर घर बना लिया है। ये पंप सेट ही सिंचाई के साधन हैं। सिवान से टेढ़ी घाट मुख्य नहर के पास से तीन उप नहरें निकलती हैं। टेढ़ी घाट नहर के पास आज भी लोहे का एक गेट बना है, जिसे उठाने पर पानी इन उप नहरों में जा सकता है। लेकिन किसान बताते हैं कि उस गेट को आज तक उठाया ही नहीं गया। ये टेढ़ी घाट से जुड़कन तक आने वाली एक उप नहर के अवशेष हैं, जहाँ अब झाड़ियाँ उगाई हैं। देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कोई नहर होगी। सिवान शहर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर ये जो नहर की जो उप वितरणी या पतली सी शाखा है, जिसे पानी की सप्लाई होनी थी, उसमें कच्चू के पत्ते, जंगल और इस कदर पौधे उगाए हैं कि बिल्कुल इसमें सिंचाई हो नहीं सकती। यहाँ थोड़ा सा पानी आपको ज़रूर दिखता है, देखिए कितने, ये लगता है किसी नाले का पानी है। जुड़कन गांव में नहर के आखिरी छोर पर एक तालाब है, वहाँ कुछ किसान मिले। उनका कहना है कि खेतों में अभी धान लगा है, कई बार पंप सेट किराए पर लेकर खेत पटाना पड़ा है, खर्चा भी काफ़ी हो जाता है। नहर में पानी आता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। टेढ़ी घाट से सटी मड़कन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमरिंद्र कुमार यादव कहते हैं कि बाकी दो उपनहरों का हाल तो इससे भी बुरा है। एक तो ऐसा नहर है, हाँ, जो कि उसको लोग खेत बना दिया है। अच्छा, उसको पूरा मिट्टी भर के बराबर कर दिया। अभी वहाँ पे जाइएगा धरातल पे, हाँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे नहर है। जैसा अमरेंद्र ने बताया, लोगों ने अब नहर की जमीन को समतल करके खेती करनी शुरू कर दी है और कहीं कहीं घर भी बना लिए हैं। ये शांति देवी हैं, कहती हैं हमारी जमीन से नहर गुजरती है ये मालूम है, मगर हम जब शादी करके आए तब से समतल ही देख रहे हैं। आलम यह है कि ये नहरें सिंचाई विभाग के नक्शे से भी गायब होने लगी हैं। 1976-77 में खुदी नहरों में पानी भेजने की जिम्मेदारी गंडक परियोजना और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की है। टेढ़ी घाट मुख्य नहर के पास कभी गंडक परियोजना का एक दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अब इस दफ्तर की हालत इन नहरों जैसी ही हो गई है। ठीक मेरे पीछे जो है, ये देखिए जो जर्जर भवन आपको दिख रहा है, वो गंडक का परियोजना ऑफिस है। और अब ये भवन बिल्कुल जर्जर हो रहा है और इसमें वर्षों से कोई नहीं रहता है। गांव के लोग बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ स्टाफ रहते थे, जो गंडक नहर से जो नहरें निकलती थी, छोटी नहरें, उनके गेट खोलने का काम किया करते थे। लेकिन अब वो स्टाफ नहीं रहते हैं, अब ये ऑफिस वीरान पड़ा है। इस ऑफिस की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर पीछे मैं आपको ले चलता हूँ, क्या हालत है। मकड़ी के जाले पड़े हैं, दीवारें एकदम जर्जर हो गई हैं, और ये स्थिति देखिए इसकी। सिवान के सिंचाई विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर दीपक कुमार कहते हैं, मैं इन नहरों के बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि 12 साल पहले एक प्राइवेट एजेंसी को इनकी सफाई का ठेका दिया गया था। उसने काम ठीक से नहीं किया, इस पर विभाग ने उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करा दिया। बाद में वो अदालत चला गया, अदालत ने स्टे लगा दिया, इसलिए 12 साल से उन नहरों की सफाई नहीं हो पाई और पानी भी नहीं गया। उससे पहले ज़रूर पानी जाता होगा। सिवान सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अवधेश कुमार कहते हैं, बिहार सरकार में इन दिनों 20 क्यूसेक से कम जलस्त्राव वाली नहरों की सफाई मनरेगा से कराई जा रही है। इन नहरों की भी सफाई मनरेगा से कराई जाएगी, मगर 50 साल से वीरान पड़ी झाड़ियों में छिपी और भरकर खेत और घर बना ली गई इन नहरों की सफाई कैसे होगी, ये दोनों में से कोई अधिकारी नहीं बता पाता। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।